Welcome back from the break. You're watching NewsX. The national capital air quality continues to be in severe category with an air quality index of over 411. Despite a slight improvement due to a better wind speed on Wednesday, several areas in the city today recorded severe AQI. Anand Vihar is at 411, Alipur is at 432, in Wazirpur the AQI stands at 443, and in Arkepuram it is 422. The neighbouring regions of the city are also experiencing toxic air, high AQI, with Faridabad at 398 AQI, 361 in Ghaziabad, 353 in Noida, and 331 in Gurgaon. With the harvest season in Punjab almost concluding, incidents of stubble burning are somewhat declining, making local pollution sources responsible for the capital's air quality. Anil Chaudhary is joining us live from Ghaziabad for more details on this story. Anil, what is the situation like in Ghaziabad as we speak? How is the AQI there looking like? देखिए मैं आपको बता दूं, दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में हालात आज एक बार फिर बेकार हुए हैं। पहले तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। आखिरकार गाजियाबाद की सड़कों पर जिस तरीके से घनी धुंध से छाई हुई है वो मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये धुंध की चादर है, चारों तरफ धुंध की चादर दिखाई देगी और ये कोई कोहरा नहीं है, पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जिससे आम जनता की सांसों पर दिक्कत आने लगी है। लोगों की सांसों पर सीधा सीधा अटैक देखा जा रहा है। वही दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा जो वाहन यहाँ चल रहे हैं, तो वो जो वाहन स्वामी है अपनी हेडलाइट का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज जो सड़कों पर काफी धुंध है, घनी जो चादर है वो पोल्यूशन की देखी जा रही है जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों के सामने विजुअलिटी की भी दिक्कत सामने आई है। लोगों को जो दूर के वाहन है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हालात एक बार फिर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ग्रैप 4 के जो नियम है वो हटा दिए गए थे दिल्ली NCR में और उसके बाद से लगातार जो है हालात एक बार फिर खराब होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं एरिया वाइज मैं यदि दर्शकों को बताना चाहूंगा आखिरकार गाजियाबाद के कौन से एरिया का कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। इंदिरापुरम की बात करें तो 428 पर पहुंचा हुआ है जो वाकई ही हैरान कर रहा है, लगातार एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं संजय नगर की बात करें तो 328 दर्ज किया जा रहा है। वहीं दिल्ली से सटा हुआ लोनी की बात की जाए तो 413 दर्ज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधी जो तस्वीरें हैं मैं अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं। ऐसे में जिस तरीके से पोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो आम जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन की शिकायत जो है आज लोग बता भी रहे हैं। क्योंकि मैं भी इस वक्त यहाँ निकला हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी आंखों में जलन आज मुझे महसूस हो रही है, आंखों में जलन सी महसूस है। और वहीं मैं आपको बता दूं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकले, क्योंकि हालात एक बार फिर बिगड़े हैं, तो जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकले तो वो मास्क का इस्तेमाल जरूर कर ले और साथ ही जो प्रेग्नेंट महिला है उनको तो अवॉइड किया जा रहा है कि वो घर से बाहर ही ना निकले। तो कहीं ना कहीं और साथ ही बच्चों के लिए भी स्पेशली बोला गया है, जो छोटे बच्चे हैं उनको इन्फेक्ट ज्यादा कर रहा है और जो खांसी और जुकाम के जो मरीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा अस्पताल के अंदर पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं एक बार फिर वही पोजीशन होती जा रही है, वही हालात एक बार फिर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यदि यही हालात बने रहे तो ग्रैप 4 के नियम फिर दोबारा से लागू करने पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं इस वक्त रजत कुमार का भी रुख करना चाहूंगा, ग्रेटर नोएडा से इस वक्त जुड़ गए हमारे संग। रजत, अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहां इस वक्त स्थिति क्या है, AQI इंडेक्स की रीडिंग आज की क्या है? रजत देखिए बिल्कुल उदय, हम ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो पॉल्यूशन स्थिति है वो पहले जैसी है, क्योंकि सर्दी का प्रकोप हालांकि बढ़ रहा है, मौसम बदलाव हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से ग्रैप 4 को हटा दिया गया है हालात कुछ सुधरे नहीं है। हम जहां पर मौजूद हूँ यहाँ की बात की जाए 450 के आसपास है वो AQI आज का देखा गया है, तो पहले जैसी स्थिति है वो आज भी है। लेकिन हालांकि राहत ये कह सकते हैं कि जो तमाम जो जब जब सुबह सुबह घर से निकलते थे तो धुंध थी वो सड़कों पर ज्यादा देखी जाती थी, तो अब ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हवा है वो अभी भी जहरीली है, स्मॉग है वो अभी भी देखा जा रहा है। दोपहर के लगभग 11:30 बजने वाले हैं, उसके बावजूद भी सड़कों पर धुंध है
वो अभी भी बरकरार है। ज्यादातर दिक्कत उन लोगों को है जो सांस के मरीज हैं, जो सुबह सुबह अपने काम धंधे के लिए जाते हैं, जिनकी उम्र 60+ है, तो उनके लिए ये हवा है वो बेहद जरूरी है। हालांकि ग्रेप 3 है वो सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली NCR में ग्रेप 4 को हटाया गया था, उसके बाद ये नियम लागू किया गया था कि ग्रेप 3 को हम सख्ती से लागू करेंगे, लेकिन तमाम ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट हैं जहां पर नियमों का उल्लंघन है वो किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट को कह सकते हैं कि जो नियमावली होती है कंस्ट्रक्शन साइट पर, उनका खुलेआम कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार बिल्डर्स होते हैं वो चेतावनी दे रहे हैं अधिकारियों की, अगर जो अफसर है, जो कि जिम्मेदार अफसर है, वो वहां पर मौजूदगी अगर करें, वो वहां पर मौके पर जाकर निरीक्षण करें, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काफी लापरवाही है वो बिल्डरों को देखी जा रही है। तमाम ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर खुलेआम निर्माण को किया जा रहा है, जो नियम होते हैं कह सकते हैं कि निर्माण बिल्डिंग को ढककर रखने चाहिए कपड़े में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ तमाम ऐसी फैक्ट्रिया एरिया है जहां पर पूरी तरह से जनरेटरों का उपयोग है वो बंद करने का आदेश दिया था। अभी भी जो सूरतपुर साइड ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर खुलेआम जनरेटरों का उपयोग किया जा रहा है, धुंध है वो होता है, धुआं है वो काला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे तो निश्चित तौर पर बढ़ते हुए प्रदूषण पर लगाम लग सकती है। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही से आम जनता काफी नुकसान है वो झेल रही है, और जब हम सुबह घरों से निकलते हैं तो हमारा दम घुटता है क्योंकि आंखों में जलन होती है, क्योंकि हवा है वो अभी भी जहरीली है। कुछ राहत हम कह सकते हैं, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है उसके बाद ठंडक बढ़ी है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण का पारा थोड़ा गिरा है, लेकिन हम कह सकते हैं हवा अभी भी कोई साफ नहीं, हवा अभी भी जहरीली है। निश्चित तौर पर जब लोग अपने घरों से निकले तो चेहरे पर मास्क लगाकर ही निकले, क्योंकि जो हवा है वो ऐसे लग रहा है कि लोगों का दम घुटता हो। हम जहां मौजूद है तो हमें खुद ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कोई जहरीली सांस ले रहे हैं, लेकिन ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट है। जगह जगह पर जो कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, जो रेजिडेंस एरिया है वहां पर छिड़काव है वो किया जा रहा है, तो लोग भी अगर अपनी जिम्मेदारी समझें, जहां अगर नोएडा पुलिस का भी एक एक्शन प्लान है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई जरूरतमंद किसी जरूरी काम से जा रहा है तो अपने वाहन का इस्तेमाल ना करके अगर पब्लिक का वाहन यूज करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जी जी बिल्कुल बन रही है आप हमारे संग रजत। मैं महेंद्र माही का भी इस वक्त रुख करना चाहता हूं, नोएडा से इस वक्त जुड़ गए हैं। महेंद्र, नोएडा में इस वक्त क्या स्थिति है और क्या प्रशासन कोई कदम अपना रहा है ये हवा के हालात को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए उदय, नवंबर का महीना खत्म होने वाला है, दिसंबर का शुरू होने वाला, मगर उसके बावजूद भी जो नोएडा NCR के लोग हैं उनको पॉल्यूशन से राहत नहीं मिले। इसके दो कारण, एक तो ग्रेप 4 के जो नियम है वो हटा दिए गए, तमाम जो कंस्ट्रक्शन साइट थी वो फिर से चालू हो गए हैं, तमाम जो भारी वाहन थे, जो डीजल वाले वाहन थे जिनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन निकलता था, वो अब उनका आना जाना शुरू हो चुका है नोएडा NCR के क्षेत्र में। दूसरी तरफ देखिए, कल पूरे NCR में तकरीबन 50,000 से अधिक शादियां थी, अब उन शादियों में बहुत ज्यादा जनरेटर चले, यानी कि जो डीजल पे जनरेटर चले, तंदूर चले, तो उसकी वजह से नोएडा का जो एक्यूआई है, नोएडा NCR का एक्यूआई, वो काफी बढ़ गया। कल तक अगर आप देखेंगे तो कल सड़कों में बहुत ज्यादा धूप थी, हवा चल रही थी, मगर आज आपको अगर आज की बात करें तो आपको पिछला पर नजर आएगा। मैं तस्वीर आज दिखाऊंगा आपको, देखिए किस तरीके से जो कल का असर जो नोएडा की सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा, तमाम जो सड़कें हैं वो आपको हल्की धुंधली नजर आएगी, धूप जो है वो सड़कों से नजारा जाए क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर यह आदेश है कि देखिए, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो कुछ चीजों का, नियमों का पालन कीजिए। एक तो चेहरे पे मास्क जरूर लगाइए, जो घर में बड़े बुजुर्ग जो बच्चे हैं उनको घर से बाहर ना निकलने दीजिए, नहीं तो उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मगर देखिए, दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो धुंध की जो चादर है वो आपको चारों तरफ दिखाई देगी, जो हरे भरे पेड़ हुआ करते थे अभी भी इन पर धूल जमी है, यानी कि इसका मतलब जो पॉल्यूशन का लेवल है अभी भी कम नहीं हुआ, जो नोएडा NCR के लोग हैं वो दम घोटू हवा लेने को तो मजबूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ग्रेप 4 अभी लागू रहने देना चाहिए था, अचानक इसको इसके जो एडवांटेज थे वो अब मिलने लगे, क्योंकि देखिए जितने भी नोएडा NCR में कंस्ट्रक्शन साइड है वो फिर से चालू हो गए। दूसरी बात, जितने तमाम बिल्डर है, तमाम कंस्ट्रक्शन साइड वाले नियमों का पालन तो शुरू से नहीं कर रहे। अब की अगर अब की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद, किसी भी आप क्षेत्र में चले जाए, जो कंस्ट्रक्शन साइड है वो खुले में किया जाता है, उसके साथ ही साथ ना पानी का छिड़काव किया जाता है, ना बिल्डर्स जो इमारतें होती है ना उसको ढका जाता है, जिसके कारण जो धूल मिट्टी होती है वो हवा में घुलती है, और जिसके कारण जो लोग है जहरी की हवा लेने को मजबूर होते हैं। दूसरी तरफ देखिए, अब सड़कों पे आपको दिखेगा तो पानी का छिड़काव आज से 6 दिन पहले हो रहा था, यानी कि
वाटर टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा था, एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसमें जो बिराई बरती गई है, जो प्रशासन हुआ थोड़ा लापरवाह दिख रहा है, उनको लगा कि नवंबर का महीना खत्म होने वाला है, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। मगर देखिए आज अचानक जब लोग सुबह उठ के अपने दफ्तर जा रहे थे, अपने स्कूल जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, तब तमाम लोगों को महसूस हुआ कि आज जो पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा है, जिसके कारण उनकी आंखों में जलन, सांस लेने में समस्या और थॉट की प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको दिमाग की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है और डॉक्टर पे जा रहे, डॉक्टर साफ तौर पे कह रहे देखिए अभी आप लोग घर से निकलने से बचिए क्योंकि स्थिति बाहर बहुत खराब है। आप मेरे पीछे भी देख रहे थे किस तरीके से जो पॉल्यूशन का लेवल है, अगर आप बात करें तो नोएडा के तमाम अलग अलग इलाकों में जो एक्टुआई है वो 350 से लेकर 450। बिल्कुल महेंद्र, बने रहिए आप हमारे संग, मैं इस वक्त ब्रायन के पास भी चलता हूँ। ब्रायन टॉमस इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए हैं, शायद एमजी रोड फ्लाईओवर के निकट हैं इस वक्त। ब्रायन आप वहाँ क्या देख रहे हैं, क्या स्थिति है, एंड व्हाट फर्दर स्टेप्स आर नाउ बीइंग लुक्ड एट बाय द दिल्ली गवर्नमेंट लुकिंग एट दिस डिटीरियरेटिंग सिचुएशन? You know, as temperatures are dropping, the air quality is rising and it has literally become a menace. If we show you the visuals of the very flyover that we're standing, you can actually see and understand that how bad the situation is. It is literally, the roads are engulfed in this, layer of smog, of the thick layer of smog. And as a result of that, also the visibility is obviously an issue for the Delhiites who are traveling, but also the people who are, outside are also facing this wrath of it, because breathing problem has become an issue. If we show you the visuals of this very place also, this is that IGI indoor stadium, and you can actually see that how bad it is, and the layers, the smog layer has literally come down to the very surface level. The environment minister Gopal Rao also said that he will schedule a review meeting to talk about the situation that is getting worse day by day. Right now also it has reached a severe category. The air quality at this very place is 400, but then in spite of being all the review meetings being done, GRAP 3 is still on place, even though GRAP 4 has been revoked, but still in spite of all the meetings that has been happening, water sprinklers being sprayed at various locations, there was a special task team also that was deployed at 13 hotspots, but still also on ground where we are standing, there is no respite because it's getting worse day by day. It is getting toxic day by day. The air is getting toxic day by day. It is literally becoming very difficult for Delhiites, for the residents of Delhi, and even the neighboring, neighboring cities. It's becoming difficult for them to breathe. Doctors are giving advisories to elderly. Doctors are giving advisories to pregnant women. Yes, Brian, stay with us. Kavita Ashok also joins us now, environmentalist. Kavita Ashok, what kind of urgent steps should be taken again now? Because again, we are seeing a worsening of the Delhi air quality with no reprieve in sight. See, the ongoing winter which is catching up now is actually aggravating the air pollution. The pollutants in the air were always there. But because of the cold temperature, what happens is the pollutants don't rise up and they are more close to the ground. Hence, we are feeling the sudden, backlash, like coming back or retreat of air pollution, I would say. So it's all coming back to us. I think whatever the government does now is too late in the day, and even if they are doing sprinklers and all, and even I don't think it's going to help much. This air pollution crisis has to be managed throughout the year. It is a full year problem, not a winter issue at all. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.